तो 23 मार्च की घटना में जब शाम को उसको बताया, जब जेल वार्डन ने जाके उसको बताया कि फांसी का वक्त आ गया और आप तैयार हो जाएं, तो भगत सिंह जब वहां से निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा हीरोइक है। भगत सिंह फांसी के कपड़े डालने के बाद जब वहां से निकलता है अपनी कोठरी से, तो वो पूरे रास्ते चलते हुए जो है उस गीत को गुनगुनाता है बड़ी ऊंचे आवाज में, जो कि अपने किशोरावस्था से गाता था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो एक क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ने जा रहा है और फांसी पर चढ़ते हुए गाना गा रहा है, और उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बड़ी बुलंद आवाज में लगाया, और फिर फांसी के तख्ते पे फांसी के फंदे को उसने किस किया, चूमता है फांसी के फंदे को। ये वो क्रांतिकारी है जिसकी उम्र है 23 साल 5 महीने 25 दिन। पर जिस तरह से कल सर ने शुरुआत की एक तरह से गांधी और भगत सिंह को लेकर, तो जो अंदर से वो लॉ जगी, वो जो जिज्ञासा जगी, तो हमने फिर ये फैसला किया कि उसी परंपरा को, उसी कड़ी को, उसी विचार को ही आगे बढ़ाएंगे। और सर से हमने फिर कल गुजारिश की और सर आज फिर हमें शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताने वाले हैं। और भगत सिंह जी का इतना कमाल का किरदार है, वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके इतने सारे आयाम हैं कि 3 या 4 दिन में उनको फिर हम कवर करने जा रहे हैं। आज एक पहले आयाम को लेकर बात होगी, और पहला आयाम यानी कि जो रुमानियत है, जो वो गज़ब की चीज़ है, वो जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, वो जो हीरोइज्म उनके अंदर का है, और उसके बाद के जो बाकी के आयाम हैं उनके ऊपर भी हम आएंगे। तो फिलहाल आइए जल्दी से सर के पास चलते हैं और भगत सिंह के होने को समझते हैं, जानते हैं, और अपने अंदर किसी एक अंश में भगत सिंह को धारण करते हैं। आज हम भगत सिंह कैसे बने या क्या परिस्थितियां थी, जो भी प्रश्न उस संदर्भ में आपने पूछा, मैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड के तौर पे जानना चाहूँगा। पहले शहीद आजम भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी उन्होंने, और बहुत भारी प्रभाव उनका रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में। और अपने आप में क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि यदि हम देखें तो भगत सिंह उस कड़ी में पहले व्यक्ति नहीं थे। क्रांतिकारी आंदोलन भारत के इस इतिहास के, आधुनिक इतिहास की तरफ यदि हम देखें, ब्रिटिश राज के विरोध में 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत हो गई थी, और एक बहुत लंबी लिस्ट जो है, लंबी कड़ी जो है, हमें इसमें बहुत सारे नाम नज़र आते हैं। जैसे यदि हम 1897 की चर्चा करें तो 1897 में बॉम्बे में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल ल्यूटिनेंट रैंड की जब हत्या की थी, तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों के तौर पे पहला एक्शन माना जाता है भारतीय इतिहास में। और उसके बाद खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, मदन लाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसको कहा जाता है, उसके जो क्रांतिकारी थे मास्टर अमीर चंद, मास्टर बालमुकंद, फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके साथी सूर्य सेन, और फिर सुभाष चंद्र बोस तक चले जाएं, तो एक लंबी लिस्ट हमें नज़र आती है। ये तो मैंने प्रमुख नाम आपसे बताए हैं, इसके अलावा और सैकड़ों नाम हैं। तो सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त किया, और इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और उसकी शक्ति को धीरे धीरे, शैने ही शैने, उसकी शक्ति को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। और इसी श्रृंखला में एक नाम आता है, शहीद आजम भगत सिंह। अब यदि और हम थोड़ा सा ध्यान दें तो स्पष्ट तौर पे भी दिखाई देता है कि बाकी सभी जब नाम लिए जाते हैं तो शहीद शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, आदरणीय हैं, लेकिन भगत सिंह के साथ हम नाम प्रयोग करते हैं शहीद आजम। तो थोड़ी सी बात यहीं पे वो आ गई, अब आपका प्रश्न सही रूप में मैं ले रहा हूँ कि ये शहीद आजम, फिर ये शहीद आजम कैसे हो गए? तो बाकी सभी तो कहीं ना कहीं थोड़े से अलग भी दिखाई देते हैं। भगत सिंह का जो प्रभाव था, भगत सिंह की जो गतिविधियाँ थी, और ऐतिहासिक तौर पर आज तक भी लेखा जोखा अगर किया जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह का जो प्रभाव था वो दूसरों से कहीं बहुत ज़्यादा अधिक था। चाहे वो राष्ट्र को जागृत करने का मामला था, चाहे वो चेतना को उभारने का था मुद्दा, या ब्रिटिश को चुनौती देने वाली बात थी,
या समूचे राष्ट्र को एक राष्ट्र के तौर पे विरोध होने वाली बात थी, सभी तौर पे वो अनोखी एक मिसाल उत्पन्न कर देते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं शुरू में भी देना चाहूँगा बैकग्राउंड के तौर पर। अभी तो जैसे यदि हम देखें आज के पाकिस्तान का यदि हम जिक्र करें और 47 से लेकर आज तक देखें, यदि पाकिस्तान के साथ हमारे राजनीतिक संबंध कभी कभी गाये गबाए थोड़ा सा हैं, अदरवाइज वो ठीक से कभी नहीं रहे हैं। सामाजिक तौर पे संबंध भले ही अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे सामाजिक लीडर्स की या राजनीतिक लीडर्स की जयंती वहाँ मनाई जा रही है। ये एक एक्सेप्शन अपवाद हमें नज़र आता है भगत सिंह के केस में। ये अपने आप में एक अनोखी बात है, अपने आप में विचारणीय बात है, ये ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन। इसके चेयरमैन एक वहाँ के जाने माने वकील हैं, इम्तियाज राशिद कुरैशी, और ये काफ़ी वर्षों से है, मुझे सही वर्ष तो ध्यान नहीं है, लेकिन 10 सालों से तो मैं भी लगभग इसको देख रहा हूँ। और ये प्रतिवर्ष भगत सिंह का जो जन्मदिन है 28 सितंबर का, और उसका जो मार्टिरडम डे 23 मार्च को, ये वहाँ पे मनाते हैं बड़ी धूमधाम से और काफ़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। भगत सिंह का जन्म जब हुआ था वो आज के समय पाकिस्तान में, वो जगह उसका गाँव का नाम था बंगे चक 105, डिस्ट्रिक्ट लायलपुर, आजकल इस डिस्ट्रिक्ट को फैसलाबाद कहा जाता है। तो प्रति वर्ष ये उस गांव में और वहाँ स्कूल में, भगत सिंह ने पहली 4 क्लासेस अपनी उस स्कूल में पढ़े हैं, वो गांव के स्कूल में, तो उस स्कूल में जो है ये आज भी प्रति वर्ष उसका जन्मदिन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। और इसी तरह से लाहौर में, सेंट्रल जोर लाहौर में, जहाँ भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी हुई थी, वो बाद में जेल जो है वो गिरा दी गई है, उसमें नए जो है तरह की बिल्डिंग बना दी गई है, तो आजकल एक चौक है, उस चौक का नाम है शहदाम चौक। तो ये जो भगत सिंह फाउंडेशन है ये पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है और इनकी डिमांड है कि उसका नाम भगत सिंह चौक किया जाए। तो एक बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर ने उसका नाम बदल भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथी भी बहुत हैं तो कट्टरपंथी विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा इसका, वापस से नाम उसका शहदाम चौक हो गया। और कई बार कट्टरपंथियों ने इन पर हमले भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हटते नहीं हैं। सैकड़ों की संख्या में ये 23 मार्च प्रतिवर्ष 23 मार्च को लाहौर के उस चौक पे श्रद्धांजलि देते हैं, और भगत सिंह के श्रद्धांजलि देते हुए उसके जो वो शेर जो भगत सिंह बोलते थे या जिस तरह के गुनगुनाते थे गाने, वो उन गुनगुना गानों को गुनगुनाते हैं। तो भगत सिंह की शख्सियत क्या है ये इससे पता लगता है कि उस पाकिस्तान में भी भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ और किसी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो भगत सिंह जो है ये शहीद आजम है। अब प्रश्न ये आ गया कि ये शहीद आजम कैसे हो गए? हम दूसरों के प्रति भी नतमस्तक हैं, सभी के प्रति, चाहे वो वी डी सावरकर हैं, चाहे वो लाला हरदयाल हैं या सुखदेव हैं, सभी नतमस्तक हैं हम। लेकिन इसके कुछ अलग तरह के इश्यूज हैं, अलग तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो भगत सिंह को शहीद आजम बना देते हैं। तो इस संदर्भ में मैं 3 विषय रखना चाहूँगा या 3 अलग अलग एस्पेक्ट मैं आपके सामने या अपने जो आज सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनके सामने जो है ये 3 अलग एस्पेक्ट इससे संबंधित मैं बताना चाहूँगा। जिसमें पहला एस्पेक्ट जो मेरी समझ से आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसके आधार पे है, वो है कि भगत सिंह एक बड़े ही नीडर, निर्भीक, साहसी और रोमांचकारी क्रांतिकारी थे। ये पहली बात मुझे नजर आती है उनमें, शहीद आजम एकदम नीडर, बेखौफ और बहुत रोमांचकारी हैं। दूसरा इशू, भगत सिंह बहुत उच्च श्रेणी के बुद्धिजीवी थे, हाई लेवल और इंटेलेक्चुअल, और क्रांतिकारी आंदोलन के वो सबसे बड़े विचारक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सशक्त किया, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, भगत सिंह का मानवतावाद। भगत सिंह का मानव जाति के प्रति, मानव के प्रति जो प्यार था ना, वो अद्वितीय है, अनपैरेलल, उसका मुकाबला नहीं है। ये तीसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुझे पंजाबी में मैंने 2-4 लाइनें पिछले दिनों पढ़ी थी कहीं, मुझे एकदम से ध्यान आ रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अपने रीडर्स को, अपने सुनने व देखने वालों को बताना चाहूँगा, जिसमें वो गुरुमुखी में 2 लाइनें ऐसी लिखी हैं, बंब सुटण दा ना भगत सिंह नहीं,
बंब सुटन तो बाद खड़े रहना भगत सिंह है। बंब नाल किसे नू मार देना भगत सिंह नहीं। विचारां दा नाल हल्ला बोल देना भगत सिंह है। तो भगत सिंह जो है उसका मानवता के प्रति जो प्यार है अद्वितीय है, जो उसको शहीद आजम बना देता है। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स को बारी बारी से हम करेंगे थोड़ा सा। आज हम पहले एस्पेक्ट को लेते हैं। भगत सिंह एक निर्भीक, निडर, साहसी, रोमांचकारी क्रांतिकारी है। शहीद आजम भगत सिंह की जो एक्टिविटीज हैं क्रांतिकारी, वो बड़ी रोमांटिक हैं, हीरोइक हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक हीरोइक हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जब क्रांतिकारी आंदोलन इन्होंने संगठित कर लिया और उसके बाद कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो उनको क्रांतिकारी आंदोलन में घटनाएं जब इस तरह की जाती थी तो उसको एक्शन शब्द प्रयोग किया जाता था। एक्शन, एक्शन क्या करना है। तो मुख्य रूप से दो ही बड़ी हमें घटनाएं नजर आती हैं एक्शन जिनको कहा गया। एक लाला लाजपत राय को जब लाठियों की बौछार से घायल कर दिया गया और उनकी जब हत्या हो गई तो उसका बदला लेने के लिए देश के नौजवान आगे आ रहे थे, तो तब ये तय किया गया कि उस व्यक्ति को, उस पुलिस अफसर को मारा जाए। सैंडर्स, जेपी सैंडर्स की हत्या की गई दिसंबर 1928 लाहौर में। तो उसमें जब ये तय किया जा रहा था कि कौन जाएंगे, तो यहां भगत सिंह अपना नाम विशेष रूप से लेके आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जिसके बाद ये निश्चित था कि मुकदमा जब भी चलेगा, जब भी पकड़े जाएंगे, अगर फांसी नहीं भी हुई तो आजीवन कारावास तो पक्का है, ये जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भगत सिंह इंसिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। राजगुरु है उसमें, भगत सिंह है उसमें हिस्सा लेने वालों में, जयगोपाल है, स्वयं चंद्रशेखर आजाद भी वहां प्रेजेंट हैं, और भगत सिंह ने अपने हाथ से 4 राउंड गोली जो है उसको मारी। तो ये एक साहसी कदम था, बड़ा निर्भीक। इसी तरह से दूसरी जो एक्शन है, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराना। जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे बहस होनी थी, जो कि आम व्यक्ति के अधिकारों का विरोध कर रहा था, तो ये प्रस्ताव भगत सिंह ही लेके आए थे। क्रांतिकारी जो संगठन था उसमें ये विचार भगत सिंह लेके आए थे कि हमें बम गिराना है वहां। तो ये माना गया कि बम गिरा के शायद कुछ लोगों को मारने के प्लान ऐसे किए जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ऐसा सोच रहे हैं। ये डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, सारा रिकॉर्ड मिलते हैं हमें। जो भगत सिंह के साथी हैं ना, उनमें से कई सारे साथी जिनको आजीवन कारावास या छोटी सजाएं हुई थी, उन्होंने बाद में अपने संस्मरण लिखे हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण नाम आते हैं, जैसे अजय कुमार घोष, जितेंद्र नाथ सान्याल, मनमर नाथ गुप्त, यशपाल, सुखदेव राज, गुलाब सिंह। ये बाद में जो 2 नाम मैंने बताए ये छोटे स्तर के नए क्रांतिकारी थे, इन्होंने किताबें लिखी हैं, भगवान दास माहौर। तो इन सभी पुस्तकों में ये बातों का जिक्र मिलता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना। ये सभी बातें यदि हम इनके जो साथियों के द्वारा संस्मरण लिखे गए हैं, उन संस्मरण में कहीं ना कहीं इन सभी घटनाओं का हमें जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिमिनल इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में भी इन घटनाओं के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि ऐसे कहा गया। तो उसमें प्रस्ताव भगत सिंह ही लेकर आए थे, और भगत सिंह ने कहा नहीं, मारना नहीं है, बहरों को सुनाने के लिए बम गिराया जाएगा। अब यहां भी बात आती है कि बम कौन गिराएगा। तो वास्तव में जो पहले 2 नाम तय हुए थे उसमें भगत सिंह का नाम नहीं था। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह ने इंसिस्ट किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि भगत सिंह कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम बम गिराने के पश्चात क्रांतिकारी अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे और फिर वो ब्रिटिश को और ब्रिटिश के माध्यम से पूरे देश को ये बताएंगे क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, किस प्रकार से देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये काम भगत सिंह जानते हैं कि उनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पर यह निश्चित था बिल्कुल कि बम गिराने के बाद खड़े रहना है, फिर अरेस्ट होना है, तो भाई फांसी तो होगी। तो ये निर्भीकता है उसकी, निडर है बिल्कुल, साहस भी है, निडर है, डर नहीं रहा है किसी तरह से। फिर इसके बाद यदि घटनाओं को हम देखें ना, जब ये सभी क्रांतिकारी अरेस्ट हो गए, ये दोनों तो अपने आप को वहां अरेस्ट स्वयं करवा लेते हैं,
बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, बाद में बाकी क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे, एक एक करके मुकदमा चला। दो तरह दो मुकदमे थे, एक तो सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा और दूसरा जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ब्रिटिश जो है इसको कॉन्स्पिरेसी केस कहते थे, मैं तो इतिहासकार राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे कॉन्स्पिरेसी केस शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, तो मेरे अनुसार तो ये था कि असेंबली बम केस कहा जा सकता है, तो ये कॉन्स्पिरेसी केस नहीं था, लेकिन ब्रिटिश इसको इन शब्दों का प्रयोग करते थे। तो मुकदमा जब चलता है तो साधारणतः आप सभी लोग जो मेरे सुनने वाले हैं देखने वाले हैं ये जानते होंगे कि मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने हंगर स्ट्राइक की थी। अब ये हंगर स्ट्राइक का फैसला भी भगत सिंह का था, और हंगर स्ट्राइक कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, साहस की जरूरत है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक के माध्यम से अपनी बात को आपने मनाना है, ये देश की आजादी के साथ संबंधित है, सीधा सीधा अधिकारों से संबंधित है। और भगत सिंह ने कहा भी है अपने साथियों को कि ये आसान रास्ता नहीं है, सोच लीजिए, लेकिन अगर इस रास्ते को चुन लिया तो पीछे हटना नहीं है। और फिर जेल के इस समय के दौरान जिस तरह से मुकदमे की टैक्टिक बनाई गई, जिस बड़े हंसी वाले माहौल में, एक कभी चुटकुले सुना के और कभी गाना गा रहे हैं, कभी शेरो शायरी कर रहे हैं, भगत सिंह कोर्ट में जब जाते थे तो बकायदा राम प्रसाद बिस्मिल के जो है शेर जो है लगातार ये बोलते थे। अब मुकदमा हो रहा है और वहां एक क्रांतिकारी आ रहा है जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसको फांसी की सजा हो रही है और वो गाना गुनगुना रहा है वहां पे, कभी वो शेर बोल रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसको एड्रेस कर रहा है, इसी तरह से मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, मतलब ही वॉज फेसिंग द ट्रायल विद एन ऑल प्लेजेंटनेस, बड़े मतलब बहुत ही निर्भीक है, बहुत ही साहस है उसमें, मतलब वो कभी मतलब ऐसा जो है निराश नजर नहीं आया, या ऐसा नहीं लगा भाई मुकदमा चल रहा है तो क्या होगा, मौत तो निश्चित है, उसको तो तय कर लिया उसने पहले से, वो बताता है कि मेरी तो दुल्हन जो है वो मौत है, आजादी है वो तो ये जो उसके रोमांचकारी जो इस तरह की इवेंट्स है उसकी लाइफ, उसका जो तरीका है, ये उसको शहीद आजम की श्रेणी की तरफ लेके जा रहा है। इसी तरह से यदि आप देखें तो मुकदमे के दौरान ये बात बार बार आती है, लाहौर के कुछ वकील ये बताते हैं कि पेटीशन की जाए, बचाने की कोशिश की जाए, भगत सिंह ने हालांकि अपनी प्लीड किया, लेकिन भगत सिंह बताते हैं कि फांसी से बचने के लिए या सजा से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं कंटेस्ट, वो ये कंटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे समूचे भारत को ये बता सकें कि राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, कैसे देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, और दूसरी बात ब्रिटिश का जो सिस्टम है उसको चुनौती दे सके, उसको एक्सपोज कर सके, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो अनैतिकता है, उसकी जो अनार्ची है, उसका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक या अनह्यूमन जो है उसका सिस्टम है, जिसको ये कहा गया कि वो पूंजीपति है, साम्राज्यवादी है, तो उसको वो एक्सपोजर कर सके, इसलिए कर रहा है वो सारा कुछ। लेकिन जिस तरीके से कर रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा हीरोइक था। फांसी की सजा निश्चित हो गई है, और फांसी की सजा तो अक्टूबर में घोषणा हो गई, 7 अक्टूबर 1930 को, और अक्टूबर के महीने में डेट भी निश्चित हो गई थी, 24 मार्च 1931 को फांसी होगी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था। लेकिन 17 मार्च और 1931 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि फांसी 24 मार्च को नहीं 23 को होगी, ये 17 को डिसीजन हुआ था। अब ये क्यों हुआ, अक्टूबर 1923 से लेके और 17 मार्च तक ऐसा क्या हो गया, ये भगत सिंह की चुनौती थी, क्योंकि जिस रोमांचकारी तरीके से वो अपनी सजा के दौरान जो एक्शन वो कर रहा था उसके कारण से क्रांतिकारी आंदोलन और खुद भगत सिंह इतना पॉपुलर हो जाता है कि ब्रिटिश को खतरा नजर आता है, ब्रिटिश को उससे बहुत डर लग रहा है। इस कारण से ब्रिटिश ने 17 मार्च को ये तय किया कि फांसी 23 मार्च को दे दो, क्योंकि दो बातें थी, नंबर एक तो फांसी देना बहुत जरूरी है, फांसी से छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा ये हो सकता है कि 24 मार्च को तो बवाल हो जाए, आंदोलन हो जाए, फांसी ना दे सके। तो यहां पे भी साबित होता है कि किस प्रकार से वो हीरोइक एक्शन कर रहा था भगत सिंह, कि ब्रिटिश भी अपने आप को खतरे में महसूस करता है। फिर 23 मार्च की घटना का यदि हम जिक्र करें
तो 23 मार्च की घटना में जब शाम को उसको बताया, जब जेल वार्डन ने जाके उसको बताया कि फांसी का वक्त आ गया और आप तैयार हो जाएं, तो भगत सिंह जो वहां से निकल रहा है वो बहुत ज्यादा हीरोइक है। भगत सिंह फांसी के कपड़े डालने के बाद जब वहां से निकलता है अपनी कोठरी से, तो वो पूरे रास्ते चलते हुए जो है उस गीत को गुनगुनाता है बड़ी ऊंचे आवाज में, जो कि अपने किशोरावस्था से उगाता था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। तो एक क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ने जा रहा है और फांसी पर चढ़ते हुए गाना गा रहा है, और उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बड़ी बुलंद आवाज में लगाया, और फिर फांसी के तख्ते पे फांसी के फंदे को उसने किस किया, चूमता है फांसी के फंदे को। ये वो क्रांतिकारी है जिसकी उम्र है 23 साल 5 महीने 25 दिन। तो ये जो टोटल उसकी हीरोइक एक्टिविटीज हैं, उसका जो रोमांस विद लाइफ है और डेडिकेशन टू द देश, उसने बता दिया कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, मेरा शरीर जो है वो देश के लिए है, मेरी आत्मा देश के लिए है, मेरा जो कुछ भी है वो देश के लिए है। फांसी तो लगा दिया आपने 7:30 पे। अब फांसी के बाद जो डेड बॉडीज हैं वो परिवार को दी जाती हैं पोस्टमार्टम और उसके करने के पश्चात, तो ये देना ही नहीं चाहते, यानी डर उसके मरने के बाद भी है कि उसकी डेड बॉडीज दे दी जाएंगी तो शायद उसमें भी कितना बड़ा जुलूस हो जाए, हंगामा हो जाए और ब्रिटिश राज के लिए मुश्किल हो जाए संभालना, इसीलिए तो शाम को फांसी दे दी। तो शाम को जेल की दीवार पीछे वाली साइड में देर की दीवार को तोड़ा गया और वहां से डेड बॉडीज को निकाल दिया गया, और वहां से निकालने के पश्चात रावी नदी के किनारे, वहां से थोड़ा दूर लाहौर से दूर फिरोजपुर की साइड में लेके आ जाते हैं, हुसैनी वाला जगह का नाम जो है, जो आज भी वो पहले पाकिस्तान में चली गई थी जगह, ये जब 1947 में हमारी बाउंड्री बनी थी तो ये जगह पाकिस्तान चली गई थी, और बाद में भारत सरकार ने कुछ थोड़ी सी और जगह दे के वो वापस हुसैनी वाला ले लिया था। हुसैनी वाला 47 में हमारे पास नहीं था, तो वहां पे जाके क्रिमेशन भी ठीक तरह से नहीं किया है, मतलब उनके ऊपर जो है मिट्टी का तेल छिड़का गया, ये गिली लकड़ियां डाल के जल्दी जल्दी से, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि ये बाहर बात पहुंच गई थी जेल से बाहर और लोग वहां से चलना शुरू हो चुके हैं, जो भी उनको साधन मिला जो भी तरीके से वो भी पहुंच रहे हैं फिरोजपुर, और ये लगभग आधा उन्होंने अपना संस्कार किया था और भारी संख्या में लोग जो है पहुंच गए थे वहां पर। तो अंतिम क्षणों की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों बातें आ रही हैं कि भगत सिंह की निर्भीकता, भगत सिंह का जो जो उसका हीरोइज्म है, उसके साथ साथ ब्रिटिश को क्या खतरा हो रहा है ये भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और वो ब्रिटिश सही कह रहा था कि आप देखेंगे रात के अंधेरे में, रात हो चुकी है, आधी रात है, मिडनाइट है, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंसी रिपोर्ट में ही मिलते हैं हमें, ब्रिटिश की CID रिपोर्ट्स, ब्रिटिश बना ही बहुत अत्याचारी उसका शासन रहा या शोषणकारी था और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां थी जिसके खिलाफ हमने संघर्ष किया, और लेकिन जो इनका पुलिस सिस्टम था उसकी जो रिपोर्ट थी वो सही होती थी, तो ब्रिटिश की CID रिपोर्ट में विश्वास किया जा सकता है। हालांकि लिखता ब्रिटिश उसको अपने तरीके से था, ब्रिटिश तो अपने आप को सही साबित करने के लिए इस तरीके से बताता था उसको, तो ब्रिटिश के CID रिपोर्ट ही बताती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंसी रिपोर्ट ये बताती हैं कि मिडनाइट को ही लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंच गए थे, तो ये अपने आप में ये लास्ट जो समय है ये बताता है कि किस तरीके से भगत सिंह की लाइफ है और कैसे वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। या इसी से रिलेटेड एक इवेंट और है, वो मैं बाद में जो तीसरा एस्पेक्ट है ना वहां पे आपको बताऊंगा मैं, जहां पे मैं भगत सिंह के मानवतावाद को लेके आ रहा हूं ना, एक इवेंट और है बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कम इतिहास में लिखी गई है या इतिहासकारों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आम जनता तक भी शायद वो बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा, वो भी आखिरी दिन के साथ संबंधित घटना है जो बहुत रोमांचकारी भी है और अपने आप में वो उसके मानवतावादी पक्ष को भी जो है वो साबित करती है। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह ने जो कुछ किया है ये एक्शन, उसको शहीद आजम का दर्जा इन्हीं से मिल रहा है, पॉपुलर तौर पे उसको शहीद आजम बताया जा रहा है, पुस्तकों में उसको शहीद आजम बताया गया है, तो क्योंकि उसके जो एक्शंस थे वो उसको इस तरह के टाइटल की तरफ लेके चले जाते हैं, और ये इकलौता क्रांतिकारी था राष्ट्रीय आंदोलन में जिसके फांसी को, जिसकी शहादत को उसकी मैरिज के साथ
सिंबलाइज किया गया। ये लोगों ने अपने आप से नहीं किया है, वो क्योंकि खुद ऐसा है। भगत सिंह खुद ये बताता था, जब उसकी मदर ने कहा कि भी उसके पिता ने शादी उसकी जो एंगेजमेंट तय की है, मदर बताती है कि शादी रिश्ता करना है, तो उसने कहा माँ से, नहीं मेरा रिश्ता तो आज़ादी है और मौत है मेरा रिश्ता, तो मेरी दुल्हन तो वो है। तो वो भगत सिंह के जो एक्शन है उसके कारण से इकलौता क्रांतिकारी हमें नजर आता है, ये जिसकी शहादत को, जिसकी फांसी को उसकी शादी के साथ सिंबलाइज किया गया, यानी जब वो फांसी लगने जा रहा है तो ये चित्रण किया है। इसमें कुछ साहित्यकारों ने, कुछ कवियों ने, कुछ कॉमन मैन ने कि भी ये फांसी लगने जब भगत सिंह जा रहे हैं तो ये इसकी बारात जा रही है। तो यहाँ पे मैं दो जो है, एक तो पंजाबी में जो लिखा गया है कपलेट जो है उसका एक वो रेफर करूँगा, और एक जो हिंदी में है उसको रेफर करूँगा मैं यहाँ पर। और ये पंजाबी में जो लिखा गया, पंजाबी में एक कंसेप्ट होता है, क्यों कह लीजिए रिचुअल होता है, जिसको घोड़ी कहा जाता है। तो जो पंजाबी कल्चर के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे इसको अच्छी तरह से, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सभी देखने वाले भी इसको ठीक तरह से समझ पाए। तो घोड़ी क्या एक्चुअल होता है कि ये जब दूल्हा तैयार हो जाता है और दूल्हे की जब बारात चलने वाली है, तो दूल्हे की जो बहनें होती हैं और या उसकी भाभियां हैं या रिश्ते में जो परिवार में लेडीज़ हैं, वो दूल्हे की तारीफ में, उसकी प्रशंसा में, उसकी जो है भाई वो बड़ा सुंदर दिख रहा है और बहुत धनवान है वो, और उसकी दुल्हन को लेने जा रहा है, इस संदर्भ में उसकी तारीफ की जाती है, गीत गाए जाते हैं, तो उसको पंजाबी में घोड़ी कहा जाता है। मार्च 1931 में लाहौर का एक अखबार है ईस्टर्न टाइम्स, और ये अखबार अधिकतर मुस्लिम कंट्रोल करता था और ये मुस्लिम लीग का अखबार है, इस अखबार में घोड़ी छपी है जो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोस्क्राइब कर ली थी। और इस घोड़ी को लिखने वाला जो है उसका मुस्लिम है वो, उसका नाम अगर मैं ठीक से याद करूं, ताहिर है उसका नाम शायद, ताहिर। तो उसने जो ये घोड़ी लिखी है उसके यहां ब्रिटिश ने प्रोस्क्राइब कर लिया, फिर बाद में जब ये लिटरेचर नेशनल आर्काइव में अवेलेबल है ये, फिर बाद में इसको जो है रिसर्चर के लिए अब तो ओपन किया हुआ है। तो ये घोड़ी मैंने तो वहाँ देखी थी, उसमें मैंने पढ़ा था, तो पंजाबी में है जैसे, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, आओ नी बहनों रल गाइए घोड़ियाँ, आओ नी बहनों रल गाइए घोड़ियाँ, जंज तो होइए तैयार ना। तो बहने मतलब जो दूल्हे की बहने, तो भगत सिंह तो दूल्हा बना है और भगत सिंह की बहनें जो है वो आपस में एक दूसरे को कह रही हैं कि आ जाओ बैठ जाओ और सारे मिलके गीत गाएंगे, क्योंकि बारात तो तैयार हो गई है। जंज मतलब बारात, बारात तो तैयार हो गई है। मौत कुड़ी नू परनावन चलिया भगत सिंह सरदारना। तो दूल्हा कौन है? भगत सिंह सरदार, भगत सिंह दूल्हा है। और किसके साथ शादी करने जा रहा है? कुड़ी लड़की जो दुल्हन है, तो दुल्हन है मौत, तो मौत के साथ शादी करने जा रहे हो। फिर आगे 35 करोड़ तेरे जांजे ने लाड़िया, लाड़िया मतलब दूल्हा, जांजी बराती, तो उस समय 35 करोड़ की पॉपुलेशन है। आगे वो कहता है कि तेरे 35 करोड़ बराती हैं, 35 करोड़ बराती हैं, पैदल ते कोई सवार ना, कोई तो पैदल है और कोई किसी ने कोई सवारी ले रखी है, किसी सवारी के ऊपर चला हुआ है। कालियां पोशाकां पाके जंज है तुर पई, लेकिन कपड़े काले डाले हैं सबने, कपड़े काले डाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कालियां पोशाकां पाके जंज है तुर पई, ताहिर भी होया है तैयार ना, ताहिर जो लिखने वाला अपना नाम लिखता है, ताहिर भी होया है तैयार ना। इसको कहीं कहीं बाद में जो है बदल दिया है, कुछ मैंने पुस्तकों में पढ़ा है तो उसमें लिखते हैं सारे होए हैं तैयार ना, तो एक्चुअली शब्द सारे होए नहीं है, वो है ताहिर होए, तो ताहिर ने अपना नाम लिखा था तो बाद में कहीं उसको चेंज कर दिया, वही ताहिर हुआ है तैयार। दूसरी नज़म उर्दू की है, ये अवध पंच अखबार है, ये उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का है, तो इसमें अप्रैल 1931 में ये छपी है, डेट सही नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें 15 दिन की रिपोर्ट्स होती हैं, ये भी प्रोस्क्राइब ब्रिटिश ने इसको जब्त कर लिया था और बाद में अभी आर्काइव्स में अवेलेबल है। तो यहां भी बता रहे हैं कि भगत सिंह, जैसे मैंने बताया ना कि वो हीरोइक है, उसका एक्शन शहीद आजम कैसे हो रहा है, हीरोइक है बिल्कुल। तो इसमें वो लिखता है अवध पंच में, ये
मर्दे मैदान चल दिया सरदार 23 मार्च को, 23 के बाद अप्रैल में लिखी है ना, क्योंकि फांसी पहले तो 24 को नहीं देते होगी, 23 को, तो उसने लिखा है 23 मार्च, मर्दे मैदान चल दिया सरदार 23 मार्च को, आसमान एक तूफान बरपा कर दिया 23 मार्च को, बन गई फांसी गले का हार 23 मार्च को, बन गई फांसी गले का हार, बात लगभग वही कह रहा है, वो पंजाबी में उसको बता रहा है, ये उसमें हिंदी में बता रहा है, बन गई फांसी गले का हार 23 मार्च को, हंसते हंसते जान देते देख कर इन्हें, हंसते हंसते जान देते देख कर इन्हें, पस्त हिम्मत हो गई सरकार की 23 मार्च को। तो वही जो आपने प्रश्न किया था ना कि और बताएं 23 मार्च की, तो बता रहे हैं पस्त हो गई हिम्मत सरकार की, पस्त हो जाती है बिल्कुल ही, इसलिए 23 को दे रहे हो। तो भगत सिंह शहीद आजम अपनी जो एक्शंस है उसकी जो हीरोइक एक्टिविटीज हैं, निडर साहस जो है उसमें, देश के लिए जो बलिदान का जज्बा है उसमें, वो कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, उस कारण से वो शहीद आजम की श्रेणी में पहुंच जाता है, और इसीलिए उसके बाद उसकी शहादत के बाद इस तरह की नज़म या इस तरह की घोड़ियां जो है वो लिखी जाती है।